मैं चाहता हूँ शुरू से जो वास्तु जितना दिया जा सकता है वो दे दूं और शुरू से लोग समझ लें इसको, जहां तक अभी दिया हुआ है, जहां तक हो सकता है वहां तक आपको मैं ऐसे ही दे दूंगा। जो मैंने बनाया है वो मैं आपको बेच के दूंगा। देखिए मार्ग विचार जाते हैं, ये प्लॉट है, अभी हम केवल भूमि देखने जा रहे हैं, अभी वास्तु केवल भूमि जो देखते हैं ना, मिट्टी देखने जाते हैं, जमीन देखने के लिए जाते हैं, जमीन कैसी होनी चाहिए, ये होनी चाहिए या नहीं होनी चाहिए, इस जमीन को कैसा फल मिलेगा, किस हिसाब का है, ये देखने जा रहे हैं। इसके अलावा अभी पूजा विधि लाना है, इसके जैसे जैसे हम जाते हैं ना, मैं जो सीक्वेंस ले जाऊंगा वो इस हिसाब से कि जैसे हम भूमि पे गए, ये भूमि है, भूमि देखने के लिए गए, इसके बाद मैं अगर किसी जमीन को खरीदने जाऊंगा तो सबसे पहले मैं जमीन खरीदने जाऊंगा, जमीन देखूंगा किस कैसा है, क्या है, किस हिसाब का है, इसमें किधर किधर रास्ता है, कहाँ कहाँ जगह मिलने वाली है मुझे, कितने गेट मिल जाएंगे मुझे, मैं बिल्कुल वास्तु नहीं जानता तो भी किधर किधर मेरा मुंह किस दिशा में रहेगा, घर का जो फेस होता है ना वो किस दिशा में रहेगा, ये हो गया। उसके बाद मैंने परचेज कर लिया, परचेज करते टाइम में क्या क्या एहतियात बरतनी चाहिए ये, फिर परचेज करने के बाद अब क्या होता है, जो हम पंडित जी से पूजा विधि निकलवाते हैं, ये हम में से 90% लोगों को, जो हम 3 दिन 4 दिन 5 दिन किए होते हैं ना, 95% लोगों को ये चीजें नहीं आती है, तो वो भी समझ लेना जरूरी है। ये जो जितने भी मार्ग विचार वगैरह है ना, ये और पूजा विधि जो इससे संबंधित है, वो सारी चीजें समझ लेनी जरूरी है। पहली ईंट जब रखेंगे ना तो मकान का वास्तु शुरू करेंगे। देखिए ये अंदर ही मैं लिख देता हूं, ये है नॉर्थ, ये है ईस्ट, ये है साउथ और ये है वेस्ट। इसी प्रक्रिया में मैं बताऊंगा, अगर मैं ये लिखना कभी रह जाऊं तो इसको आप कर लीजिएगा। अगर किसी प्लॉट में नॉर्थ की तरफ मार्ग हो, कोई रोड जा रहा हो, जैसे ये प्लॉट हमने लिया, ये आयताकार है या वर्गाकार है या वृत्ताकार है, जो भी आकार हमने पहले बताया उसमें से कोई भी आकार हो, अब हम आकार नहीं ले रहे, अब हम केवल प्लॉट के मार्ग को ले रहे हैं, मार्ग किधर हो, वो रास्ता उसका किधर से जाता हो। ये अगर नॉर्थ की तरफ हो, ये रास्ता हो गया, इसको गुड बोला गया है, अच्छा है, ये अच्छी वाली बातें इसमें आप बोल लो। वैसे इसको जो बोला गया है वैदिक में, ये बोला गया है कि ये पारिवारिक सुख शांति के लिए और चीजों के लिए अच्छी जमीन होती है, और परिवार से ही अधिकतर लिया गया है, मगर ये व्यापार के लिए भी ठीक ठाक है। आप नॉर्थ में, अगर नॉर्थ फेसिंग ही हो गया, अगर आपका मार्ग आता है, एक ही मार्ग है उस पर, एक ही रोड है, जैसे मेरा ये मकान है तो इसके इधर एक ही रोड है, तो वो फेसिंग भी मुझे उधर ही रखनी पड़ेगी, तीनों तरफ अगर नहीं है तो नॉर्थ फेसिंग मकान भी हो गया ये, इसको अच्छा बोला गया है। अगर ईस्ट फेसिंग है इसको भी अच्छा बोला गया है। इसमें कुछ चीजें ऐसी हैं जो कभी आपको सोशल कनेक्शन के लिए है, सोसाइटी से जुड़ने के लिए है, ये बातें हम और कर लेंगे, क्योंकि सभी मकान जितने भी होते हैं ना वो केवल एक ही मार्ग रहे उस पर, वो जरूरी नहीं है। और इसमें आप लोगों को जो ईस्ट के बारे में पता है, नॉर्थ के बारे में पता है, नॉर्थ क्या होता है, ईस्ट क्या होता है, इसके एट्रीब्यूट्स क्या होते हैं, ये आने वाले समय में आएगा, इसलिए मैं अच्छा और बुरा सीधा सीधा बता देता हूं। ये अच्छा है। अगर पूरब की तरफ है तो, साउथ की तरफ है, इसको अच्छा नहीं माना गया है। अगर एक मार्ग है यहां पर केवल, तो इसको अच्छा नहीं माना गया है। इसका कारण ये होना चाहिए कि आप जब गज पृष्ठ भूमि बनाते हैं तो ऐसे बनता है, इधर भरा हुआ होना चाहिए और इधर खाली होना चाहिए, ये भूमि सबसे उत्तम, इस हिसाब से हम मकान बनाते हैं। अगर यहां पर एक ही मार्ग है तो इसका ये तो खाली रखना ही पड़ेगा, क्योंकि मेन गेट इधर से ही रखना होगा। अगर ये खाली रखेंगे तो इधर जितनी भी दिशाएं और आती हैं उसमें खालीपन रहने से जो प्रॉब्लम होती है वो प्रॉब्लम होनी होगी। तो इस वजह से ये पहले भी बताया गया, अब इन दिनों में जो कुछ शास्त्र नए नए निकले हैं उसमें कुछ रीजन से बताया गया है कि इसमें ये मार्ग भी अच्छा हो सकता है, और प्रैक्टिकल अनुभव ऐसा आ रहा है, मेरे में भी है, कि वो मार्ग गलत नहीं है, मगर जो वैदिक बताया गया है कि ये मार्ग ठीक नहीं होना चाहिए, उसका कारण इसलिए बताया गया है, और वो कहीं ना कहीं से अपनी जगह ठीक है। जब हम इधर मार्ग लेते हैं
तो उसकी रेमेडी अलग हिसाब से करते हैं। उसकी रेमेडी हम ऐसे नहीं करते कि सीधे अगर इधर मार्ग आ जाए या इधर मार्ग आ जाए उसकी रेमेडी जैसे करते हैं, इसको बहुत ही टेक्निकल दृष्टिकोण से देखा जाता है, उसके बाद करते हैं। तो ये वाला जो प्लॉट होता है ना उसको ठीक नहीं बोला गया है। ये मार्ग है वेस्ट की तरफ मार्ग है, इसको एवरेज बोला गया है, एवरेज बोला गया है। ये बहुत अच्छा नहीं होता, फिर भी साउथ की तरफ से जो मार्ग हो उससे अच्छा होता है। ये तो एक मार्ग वाला हो गया। अब हम लेते हैं दो मार्ग वाला, नॉर्थ से शुरू करिए, नॉर्थ और ईस्ट, ये दो तरफ मार्ग हो मगर मार्ग एक ही हो। आप ये ध्यान दीजिएगा, मार्ग इसमें एक ही हो, दो मार्ग की बात नहीं कर रहा, प्लॉट के दो तरफ मार्ग हो, नॉर्थ में और ईस्ट में। ये मार्ग, ये इस तरह का प्लॉट अच्छा बोला गया है। ये दो मार्ग हो मगर मार्ग केवल नॉर्थ में ही हो, ये मार्ग भी एवरेज बोला गया है। ये अच्छा नहीं है, ये एवरेज बोला गया है। ये वाला अच्छा बोला गया है, ये एवरेज, एवरेज इसलिए बोला गया है, मैं एवरेज बोल दे रहा हूं, वैसे तो ये अच्छा नहीं बोला गया है, अधिकतर जगह पे अच्छा नहीं बोला गया है, एवरेज कहीं कहीं पर अच्छा बोला गया है जिनको इस शास्त्र का पता हो, क्योंकि ये शास्त्र जितने भी बनते हैं ना ये ना बोलने के लिए नहीं बोलते, बुरा बोलने के लिए नहीं बनते, अच्छा ही बोलने के लिए बनते हैं। मार्ग नॉर्थ में ही रहेगा, ये तीन तरफ रोड हो, प्लॉट के तीन तरफ रोड हो, मार्ग एक ही है, मार्ग ध्यान रखिएगा, तीन मार्ग की बात नहीं कर रहा हूं मैं, मार्ग एक ही हो इसमें, ये अच्छा बोला गया है, अच्छे से भी ज्यादा अच्छा बोला गया है, ज्यादा अच्छा है। इसी में अगर चारों तरफ मार्ग हो, चारों तरफ मार्ग हो और नॉर्थ की तरफ हो, ये जो प्लॉट बोला गया है और ये जो प्लॉट होता है ये बहुत अच्छा होता है। ये जो वेरी गुड था ना उसमें और आप वेरी लगा लो, या आप लोगों को कोई और अंग्रेजी आती हो तो वो लगा लो, इसमें एक्सीलेंट गुड ऐसे करके आप जो भी आता हो ना तो वो सब लगा लो, ऐसा होता है। ऐसे प्लॉट पे आप नीचे दुकान बना लो, ऊपर मकान बना लो, ऊपर किराए पे लगा लो और ये सारा चलता रहेगा, बहुत अच्छी तरह से चलता रहेगा, ऐसा प्लॉट है ये, इस टाइप का प्लॉट जो नॉर्थ फेसिंग हो और चारों तरफ से मार्ग हो उसका। या कभी भी इस तरह का प्लॉट अगर आपको बनाना हो तो एक इसका दूसरा भी तरीका है, जैसे ये कंस्ट्रक्टेड मकान है, ये कंस्ट्रक्शन है मकान का, इसके चारों तरफ हमने एरिया छोड़ दिया, ये चारों तरफ तो हो गया और वो उसके बाद हो नॉर्थ फेसिंग, हमारे पास चारों तरफ मार्ग नहीं है, हमने एरिया छोड़ दिया चारों तरफ, क्योंकि ये जो होता है ना, ये चारों तरफ का एरिया जो होता है 32 पद का जो एरिया होता है वो होता है पिशाच क्षेत्र का। सबसे पहले देव क्षेत्र होता है, फिर मनुष्य क्षेत्र और फिर पिशाच क्षेत्र होता है। तो ये 32 पद का एरिया आप ना भी छोड़ पाओ, 32 पद का ही एरिया हो जाता है, एक पद पूरा छोड़ना होता है, पूरा का पूरा, वो पिशाच क्षेत्र अगर आपने छोड़ दिया तो ये चारों तरफ आपका वो एक मार्ग ही कहलाता है। और वो अगर आपने यहां फिर आपने नॉर्थ में निकाल लिया अंदर से, तो ये आपका जो मकान है ना वो इसी टाइप का हो जाएगा जो अभी मैंने बताया। ये क्षेत्र जो है तीन क्षेत्र होते हैं, देव क्षेत्र, मनुष्य क्षेत्र और पिशाच क्षेत्र। पहले देव क्षेत्र है ब्रह्मस्थान के जस्ट बाद, उसके बाद मनुष्य क्षेत्र है, फिर पिशाच क्षेत्र है। जो चारों तरफ छोड़ने का जो प्रावधान है ना वो पिशाच क्षेत्र को छोड़ने के लिए है। जो अधिकतर बड़े मकान जो होते हैं उसमें चारों तरफ जो छोड़ने का प्रावधान है वो पिशाच क्षेत्र के लिए। नॉर्थ का हो गया पूरा, एक नॉर्थ में और है, एक है नॉर्थ की तरफ और एक है साउथ की तरफ। अगर ऐसा वाला मकान हो तो ये प्लॉट अच्छा नहीं बोला गया, ये जो जमीन का जो ये टुकड़ा है ये अच्छा नहीं बोला गया, इसको एवरेज बोल दिया गया है। अगर ऐसा टुकड़ा किसी के पास है तो कुछ ना कुछ तो वो कोई ना कोई तो खरीदेगा ही ना, तो एवरेज बोल दिया गया है, मगर इसमें ज्यादा काम की जरूरत होती है।